हेलो गाइस, मैं हूँ ब्यारबी शिवा और आज के इस वीडियो में, आज की इस टैरो सेशन में हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हम लाइफ में ढूंढ रहे हैं, क्या वो चीज़ है जिसको हम खोज रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमें हमारी रातों की नींद जिसकी वजह से उड़ी हुई है, क्या है वो चीज़, क्या है वो मकसद, वो लक्ष्य जो आप लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको ये दिन बहुत मुबारक हो, बहुत शुभता आपके जीवन में लेके आए, आपकी सोचने के तरीके में बदलाव आए, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह की भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप कुछ सीखें गाइस, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। क्या चीज़ है जो आप खोज रहे हैं, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही। कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपको हमेशा हेल्प करेगी और जनरल रीडिंग होने की वजह से कुछ रेजोनेट करेगा, कोई पार्ट नहीं भी करेगा, लेकिन मैं जिस तरह की रीडिंग आज करने जा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में सबकी, अगर एक कलेक्टिव लोगों को भी लिया जाए तो सबकी चाहत या सबकी खुशी एक ही नहीं होती है, सबको अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती है। तो कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करिएगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। पहला कार्ड आ चुका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से ऐसे लोग, पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं गाइस जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में धन की स्थिति को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, और सिर्फ पैसे ही नहीं कमाना चाहते, बहुत एक अच्छी पोजिशन पर भी बैठना चाहते हैं। अभी अचीव नहीं किया है इन्होंने ये पोजिशन, ये सिर्फ इसके सपने ही देख रहे हैं, अभी इन्होंने ये अचीव नहीं किया है। हो सकता है उस मार्ग पे हो, उस रास्ते में हो, या ऐसा कुछ भी। तो ये बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, देखिए धन तो सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हर व्यक्ति का एक मकसद अलग होता है। कुछ लोगों को धन इसलिए चाहिए होता है कि एक लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन हो, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें, फॉरेन ट्रिप्स पर जाना चाहते हो तो वहाँ जा सकें। कुछ लोगों को बहुत पैसे कमाने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि एक बढ़िया अच्छा घर हो, खाने पीने की सुविधा हो, किसी चीज़ की तंगी ना हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में इतना पैसा तो ज़रूरी हो कि हम ठीक से रहें, अच्छे से रहें, खुद भी भूखे ना रहें और जो दूसरा जो हमारे घर में व्यक्ति है, साधु है, वो भी भूखा ना रहे। तो देखिए सबकी एक अलग अलग थिंकिंग होती है। तो ये एक कार्ड जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, सॉरी गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है आजकल, गला थोड़ा ख़राब होने की वजह से आप लोगों को कुछ सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो मैं बता रही थी कि ये उन लोगों से ये कार्ड रेजोनेट करेगा जिनको अपनी लाइफ में पैसा तो चाहिए ही, आगे उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे से ही सारी स्थिति, धन की स्थिति ठीक होने से ही उनकी सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। हो सकता है उन्होंने कुछ कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हो, लोन के लिए अप्लाई किया हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को लोन दिया हो और उसको उसका रिटर्न पाने के लिए अब वो इंतज़ार कर रहे हो, जिसको भी उन्होंने पैसे दिए हैं उससे ये वापस पैसे मांग रहे हैं और उस पैसे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है, या इनको किसी से एक बड़ा अमाउंट पैसे का मिलने वाला है। कैसे वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। इन्होंने शायद अपनी लाइफ में, जिन लोगों से भी रेजोनेट कर रही है रीडिंग कमेंट कीजिएगा, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैरिटी भी की है,
और चैरिटी कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज इनको धन की इनकी धन की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई है, थोड़ी परेशानी में आ फंसे हैं ये। तो ये इनको इनको ये पैसे पाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, बहुत कर रहे हैं प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में पैसे की स्थिति को ठीक करके ही मानते हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे, ये थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। बेशक वो ज़िंदगी अभी आपसे दूर हो जिसमें जिस तरह की आपने अपने सपनों में देखी है, पर वो लाइफ वो ज़िंदगी मिलेगी ज़रूर। देखिए जिन लोगों का ये ड्रीम ही है, मैं उनकी बारे में बात कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जिन लोगों का ये ड्रीम ही है कि मेरी लाइफ में कुछ हो या ना हो, पैसा तो होना ही चाहिए, पैसे से ही, पैसे आने के बाद ही वो लाइफ की प्लानिंग करते हैं। इन्होंने अपने पास्ट में, इन्होंने अपने जो इनका समय निकल गया उसमें धन की बहुत तंगी देखी है। फिर जो धन इन्होंने कमाया भी, उस तंगी की वजह से इनके मन में ऐसा फील हुआ, इनको ऐसा लगता था कि जब कोई तकलीफ में होता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इन्होंने भी की, लेकिन कहीं पे किसी ऐसे शख्स की इन्होंने हेल्प कर दी है जिसने इनको जो है इनकी पैसे की स्थिति को ख़राब कर दिया है। किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वो उन्होंने इनका ट्रस्ट को तोड़ा है शायद, शायद नहीं, डेफिनेटली। और इनकी धन की स्थिति जो है थोड़ी सी मुझे डावाडोल होती नज़र आ रही है। और कार्ड्स लेते हैं। द मून का कार्ड आया है। देखिए ये तो कार्ड ही सपनों का आया है कि आप सपने में भी, आपको अपने सपनों से डर लगता है। शायद आपके सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप जो देखना नहीं चाहते हैं, कुछ लाइफ में आपके ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके अंतर्मन में इतनी हावी हो गई है कि वो आपको सपनों में भी दिखते हैं। बहुत कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें हैं ज़िंदगी के, कुछ ऐसे बदसूरत पल हैं जो आपको सपने में दिखाई देते हैं। गाइस आप इन सपनों से, आप इन सपनों से निकल जाना चाहते हैं, आप इन सपनों से निकल जाना चाहते हैं, इस नाइटमेयर से निकल जाना चाहते हैं। जीवन में जो बुरा हो चुका है हादसा आपके साथ, उस हादसे से आप, आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया है, उस हादसे को आप भूल नहीं पा रहे हैं। उठते बैठते लेटते आपकी लाइफ में ऐसा कोई हादसा चलता रहता है जिससे आप निकल जाना चाहते हैं, बाहर आ जाना चाहते हैं। कुछ तो लाइफ में हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको जिनको लाइफ ने बहुत एक गंदा एक्सपीरियंस दिया है, बहुत बहुत बैड सिचुएशंस में डाला है, उन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मैं यहाँ चाहत की बात कर रही हूँ ना कि लोग अपनी चाहत क्या है, आपकी चाहत क्या है। तो जितने भी एनर्जीज मैं इस समय कैच कर पा रही हूँ, जितना भी मुझे इंट्यूशन हो रहा है या जितना भी मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। जिनके साथ ये पहला कार्ड रेजोनेट किया है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, जिनके साथ ये दूसरा कार्ड, या हो सकता है किसी किसी के साथ दो या तीन कार्ड से भी ज़्यादा रेजोनेट करे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप निकल जाना चाहते हैं, उस बैड सिचुएशन, उस बैड फेस से निकल जाना चाहते हैं, और यही चाहत है आपकी कि मैं इस चीज़ से किसी तरह से अपने आप को निकाल लूँ तो मेरी लाइफ में आगे बढ़ूँ। जी हाँ, मैंने कहा ना कुछ तो ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से बहुत उदासीनता है। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ है नहीं, लाइफ में आपके पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके आप खुश हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं किसी बैड सिचुएशन की वजह से।
आप चाहते हैं निकल जाइए, ये फेस निकल जाए आपकी लाइफ से। और गाइस निकल जाएगा, लाइफ में जब कुछ देना शुरू किया है तो वो समय भी आएगा जब ये बुरा समय निकल जाएगा आपकी लाइफ से। और जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिल के रहेगा। चीज़ें आपको मिलनी शुरू भी हो गई हैं देखिए, पर आप उदास बैठे, आप देख नहीं रहे उस तरफ। जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, जिनके आप सपने देखते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बस इस एनर्जी से बाहर निकल आइए, अपने पास्ट में से बाहर निकल आइए। जो चीज़ें हो गई उसको लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, भाड़ में जाए वो चीज़ें। ईश्वर अभी भी आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, देना चाहते हैं, आप लेने की एनर्जी में तो आइए, इस सिचुएशन से निकल जाइए। आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा गाइस, बहुत कुछ मिलेगा। मैं कार्ड इस कार्ड के नीचे रखती हूँ। और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए कोई तो है जो चाहता है, कोई ऐसे भी, ऐसे बहुत से लोग हैं इसमें जो चाहता है उनका कैरियर बहुत बहुत बढ़िया हो जाए, किसी अच्छी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनका हो सकता है कोई कंपटीशन उन्होंने दिया हो, उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट उनको मिला हो, उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से, इस कंपटीशन के पार हो जाने से, क्रैक कर लेने से उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, ऐसा उनका सपना है। अपने करियर को बहुत मजबूत बनाने का उनका सपना है और ये सपना 100% पूरा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लोगों में बात हो रही है, उनकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपको लाइफ में अचीव करनी है, जिस किसी भी चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत हैं कि नहीं मुझे तो ये अपनी लाइफ में चाहिए ही, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी गाइस। और ये भी हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मसला हो, कहीं कि किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपकी आपके पास हो जो अभी तक बिक नहीं रही है, उसको बेचने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो वो बिक जाएगी। तो अगर किसी प्रॉपर्टी या कोई करियर या कोई प्रोजेक्ट या कोई आप अगर कंपटीशन के बारे में आपके मन में चल रहा है, जिसके बारे में दिन रात आप सोचते रहते हैं गाइस, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। और सक्सेस कुछ इस तरीके से मिलेगी कि लोग वाहवाही करेंगे आपकी। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, मैं देखना चाहती हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके चलिए मैं अब आपको बता दूं कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में उनका कोई पार्टनर हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसको वो बहुत पसंद करना चाहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनसे इनका या तो सेपरेशन हो गया हो या वो इनकी पहुंच से ही बाहर हो, इनको लगता है कि वो तो इनको मिल ही नहीं सकते। इस वजह से इनका ये सपना है कि ये उनको अपनी लाइफ में लेकर आए, अपने जीवन में लेकर आए, अपना पार्टनर बनाए। कुछ लोगों का ये सपना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कंपटीशन करियर चाहिए, किसी को प्यार चाहिए। हर किसी की लाइफ में एक ना एक सपना तो होता ही है गाइस, पर आप उस चीज़ के लिए शायद ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। आपने पहले से ही सोच रखा है कि ये शख्स मेरी लाइफ में अब दोबारा से नहीं आएगा, या इस शख्स के मैं लायक नहीं हूँ, या ये शख्स मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर ऐसा कोई प्यार का मसला आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस,
देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये कार्ड के नीचे मैंने कार्ड इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये कार्ड ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत सक्सेसफुल लोगों के लिए ये कार्ड आता है। मैंने इस कार्ड के नीचे एक कार्ड और निकाला, उसका भी मैंने आपको बताया कि क्या करिए, किस तरीके से अपने आप को निकाल लाइए। ये कार्ड ही बहुत सक्सेसफुल होने का कार्ड है। और मैं आपको बता दूँ, ये कार्ड अगर प्यार करने वालों ने अपने लिए कोई देख लें जिनका ड्रीम ही यही उनकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर है और किसी वजह से उनको बहुत इस चीज़ की एक नाखुशी हो, उनकी ज़िंदगी में गम हो कि नहीं आ सकता, हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी कमी हो जिसको वो पहचानते हो या कोई भी और कारण हो, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा मत सोचिएगा। इसका किसके ज़िंदगी में क्या आ जाए ये कोई नहीं जान सकता है। इतने नेगेटिव कार्ड के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड का आ जाना ही बताता है कि ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? मतलब नाइन के ऊपर नाइन का कार्ड आ जाना, नाइन के साथ नाइन का कार्ड आ जाना, मतलब कि लगभग लगभग एक पूरा होने का नंबर, एक पूरा होने का नंबर, यानी कि एक पूरा होने का समय। अगर आप अपने पार्टनर या लव लाइफ के बारे में ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बताया वो एकदम करेक्ट है। समय कब किसका कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जान सकता। और नाइन नंबर तो बहुत पावरफुल नंबर है, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपको आपकी सोच थोड़ी सी नीचे जा रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है गाइस। समझ रहे हैं आप? तो देखिए गाइस, मैं एक बात बता दूं, जो भी आप जिसको चीज़ को भी अपनी लाइफ में बहुत पाना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं अपनी मनपसंद सिचुएशन या पार्टनर या पैसा पाने के लिए। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है, अगर आप इतनी मेहनत करके आगे जा सकते हैं तो चीज़ों को अचीव भी कर सकते हैं। मेरे चारों कार्ड्स में से कोई सब कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को देर नहीं मिलेगी, पर डेफिनेटली मिलेगी अगर आपने अपने आप को उस रास्ते पे छोड़ दिया कि अब मैं चल के ही रहूँगा, ये चीज़ अचीव करके ही रहूँगा या रहूँगी। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग गाइस, मुझे प्लीज़ बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब मैं एक छोटी सी आपको क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ। आप कोई भी एक प्रश्न अपने मन में सोचिए, मैं उसका आपको आंसर दे रही हूँ कि वो काम होगा कि नहीं, वो काम होगा कि नहीं, यस और नो। ओके, आप क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया होगा, सोच लीजिए, सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए, आंखें बंद करके जो भी प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगता हो सोच लीजिए, मैं आपको उसका आंसर देती हूँ, यस और नो। देखिए जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आने का मतलब है कि आपको सेकंड चांस जरूर मिलेगा। हो सकता है पहली बार में आप फेल हो गए हो, आपने वो चीज़ आपको नहीं मिली हो, लेकिन सेकंड बार अगर आपने ट्राई किया, पूरी मेहनत से ट्राई किया गाइस, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। ये एक तरीके से सेकंड चांस का कार्ड है और यस कार्ड है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।